नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का धर्मार्थ चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेडिफ मेल के बारे में जानने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों रेडिफ मेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप सभी ने तो जीमेल का बहुत सारा यूज किया होगा, मैसेज सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए या फिर और कोई पर्पज़ के लिए। लेकिन अब सेम उसी तरह से जो रेडिफ मेल है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो रेडिफ मेल के पहले हमने दो वीडियो बना लिए हैं, यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसी रेडिफ मेल के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो दोस्तों रेडिफ मेल होता क्या है कि जैसे आपका ये जीमेल होता है, याहू मेल, सेम उसी तरह से ये रेडिफ मेल भी होता है। कोई भी मैसेज रिसीव करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए सेम इसी तरह से होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों एक पहले जो वीडियो आपको बताए हैं वो वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में अकाउंट कैसे बनाते हैं, रेडिफ मेल में मेल कैसे सेंड करते हैं, मेल कैसे रिसीव करते हैं, उसमें सारी जानकारी डिटेल से आपको मिल जाएगी। तो रेडिफ मेल में इसमें हम पासवर्ड फॉरवर्ड करना सीखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पर अपने जाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा रेडिफ मेल। दोस्तों रेडिफ मेल लिखेंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर जो फर्स्ट साइड आ जाएगी रेडिफ मेल की, mail.rediff.com, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। और आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों ये सब सारी जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसे फॉरगेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो रेडिफ मेल की आईडी है वो पूछी जाएगी, यहाँ पर अपनी रेडिफ मेल की आईडी देना है। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन आ गया, जब आप रेडिफ मेल पे अपना अकाउंट बना रहे थे तो वहाँ पे आपको एक रिकवरी ईमेल का ऑप्शन पूछा गया था, तो वहाँ पे अपना एक रिकवरी अगर ईमेल आईडी डाले हैं तो यहाँ पे शो कर देगी, नहीं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो, लास्ट का दो अंक और शुरू का फर्स्ट अंक यहाँ पे शो करेगा। ये जो मैसेज है आप कहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे अपने फ़ोन पे करना चाहते हैं तो फ़ोन वाले ऑप्शन पे ये क्लिक कर दिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ का आपका पूरा जितना नंबर है वहाँ पर इंटर करने के लिए मांग रहा है, तो चलिए हम पहले इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पे अपना जो है कैप्चा इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे जितना जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सेम इस बॉक्स में आपको लिख देना है। उसे करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे आपके फ़ोन में एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। तो ये अभी हमारे फ़ोन में वेरिफिकेशन कोड आ गया है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे वो कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे सेम वही पासवर्ड यहाँ पे रीटाइप न्यू पासवर्ड पे डाल देंगे। तो चलिए एक बार हम पूरा डाल के और अपडेट करते हैं। दोस्तों जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंजेड सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं या फिर डन कर सकते हैं। तो चलिए अब अगर लॉगिन करके आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए आप यहाँ पे इसका होम पेज खुल गया है, यहाँ पे क्या करेंगे अपना यूजर नेम डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों हमारा रेडिफ मेल का
ईमेल आईडी ओपन हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे रेडिफ मेल की ओपन हो चुकी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और पिछला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए।